देखिए नासिर साहब, इंशा का कत्ल तो रात के अंधेरे में हुआ। मुझे लगता है कि इंशा खुद ही अपने कातिल को ढूंढ निकालेगी। ठीक है कादिर भाई, और हाँ एक बात याद रखिए, जिसे आप ना समझ कह रहे हैं वो काफी समझदार है। अनवर, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों पे किसी भूत प्रेत का साया मंडला रहा है। नासिर साहब, वो आता ही होगा, उसे जुए की ऐसी लत लग गई है कि वो यहाँ के बाहर कहीं जा ही नहीं सकता। तुमने खुद अपने आप को तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया है। मुझे भी तो बताओ कि तुम चाहते क्या हो। सर, आप जानते हैं कि मैं हर कोई काम कानून के दायरे में ही करता हूँ, और जिन लोगों से पूछताछ अभी बाकी है वो शहर के बहुत बड़े कारोबारी शख्सियात हैं। क्या बात है भाई? सोहेल, कभी कभी सोचता हूं कि नासिर साहब की दी हुई जिम्मेदारी लेकर मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। क्यों, तुम तो इस काम से काफी मुतमईन थे, अब अचानक ये तब्दीली। कसीनो की जिम्मेदारी मेरे लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ। नासिर साहब ने तुम्हें कसीनो की जिम्मेदारी इसलिए दी थी कि तुम तरक्की कर सको, अपने पैरों पर खड़े हो सको। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नासिर साहब मेरी बर्बादी चाहते हैं, पर क्या करें, मेरी तकदीर में ही खोड़ है। तुम्हें वहां मालिक बनकर रहना था, लेकिन तुम पूरी बाजी ही मारना चाहते हो। वही तो मेरी गलती है। तुम गलतियां करने के आदी हो चुके हो। सुहेल, मेरे ऊपर कर्जे का बोझ इतना बढ़ चुका है कि क्या बताऊं। मैं चाहता हूं कि किसी जादुई अंदाज से ये सब चुकता हो जाए। जुआ खेलने से कर्जे चुकता नहीं हुआ करते मेरे दोस्त। नासिर साहब ने तुम्हें अपने कारोबार का हिस्सेदार बनाकर मालामाल कर दिया था, लेकिन तुम। सुहेल, मैं भी वही कह रहा हूं, बहसे थे हिस्सेदार जो मैं कमा चुका था वो सब हार चुका हूं, क्या करूं। अच्छा, और मेरे पास जो कुछ भी था वो सब दांव पर लगा चुका हूं। सोच रहा हूं कि नासिर साहब के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊं। दानिश, नासिर साहब ने तुम पर भरोसा किया, और अगर उनके भरोसे को जरा सी भी ठेस पहुंची तो तुम जानते हो नतीजा क्या हो सकता है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे मौसिन का दिल टूट जाए। ये बताओ कि तुम्हारा कितना पैसा डूब चुका है। सब, मैं सब कुछ हार चुका हूं, और बड़ी बात यह है कि नासिर साहब के हिस्से का भी बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। दानिश, तुम कितने लापरवाह हो, तुम्हें यह भी नहीं पता चला कि तुम किस तरफ जा रहे हो। सुहेल, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ चुका था, पर खुदा रा तुम ये बात किसी से मत कहना। फिलहाल तो मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन जब ये बात खुद ब खुद सामने आएगी तब तुम क्या करोगे। मैं वो नौबत नहीं आने दूंगा, लेकिन तुम खामोश रहना। ये बार बार दोहराने से क्या फायदा, तुम तो खुद जानते हो ये काम हमारे हाथ से निकल चुका था। अब शुक्र है कि वापस आया भाई, इसमें तो ईमानदारी की जरूरत है। चौधरी साहब, मैं तो ठहरा एक अदना सा मुलाजिम, भला मैं क्या कर सकता हूँ। अरे देखो, अपने आप को अदना सा मुलाजिम कहकर तुम जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं मोड़ सकते भाई। देखो, यहाँ के हर काम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मगर फिर भी जनाब, मालिक तो मालिक होता है और मुलाजिम मुलाजिम। तुम मुलाजिम और मालिक के किस्सों में मुझे मत उलझाओ भाई, यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है बस। जरा वो लोहे और सीमेंट के जो चेक आपने दिए थे वो अभी तक कैश नहीं हो रहे। व्हाट, चेक्स कैश नहीं हुई?
हाँ सर, वो दोबारा बाउंस हुई। ओह आई सी, एक मिनट। हेलो। हाँ मैनेजर साहब, अनवर चौधरी बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चौधरी साहब। गुजारिश ये है कि आपके दफ्तर में आके जो हमने दस्तावेजी लवाजमात और बाकी मामला तय किए थे, भाई मेरा तो ये अंदाजा था कि एक दो दिन में हमारा जो लोन है सेंक्शन हो जाएगा, पर अभी तक। चौधरी साहब, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल आपने पिछला कर्जा नहीं चुकाया ना, इसीलिए। अरे मैनेजर साहब ये क्या मजाक है, वो पैसा तो मैंने दूसरे ही दिन डिपॉजिट किया था। चौधरी साहब, आप इस शहर की एक जीज़त शख्सियत है, मैं आपके साथ थोड़ी मजाक कर सकता हूं, और वो भी ऐसे हसास मामले को लेकर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूं। खुदा हाफिज। उनसे कहना कि दो तीन दिन बाद वो चेक्स कैश करें। खैरियत तो है ना, आपके चेहरे पे परेशानी और फिक्रमंदी के आसार, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। तुम ऐसा करो, तुम जरा काम की तरफ ख्याल रखो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर। कमरा नंबर 203 खुलवा दीजिए। लेकिन सर मैं। कोई सवाल जवाब नहीं। ठीक है सर, अभी खुलवा देते हैं। आप भी आ जाइएगा। ठीक है सर। करीम खान सर, ये कांच का टुकड़ा और ये सिरिंज और ये इंजेक्शन वॉइल अपने साथ लेके आना। सर ये यहां कैसे रखी थी? पता नहीं सर। मैनेजर साहब, बाथरूम में इन सब चीजों की जरूरत कभी आन पड़ती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं।
मैनेजर साहब, जब मैं यहां आया तो आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे। जी हाँ सर, मैं बस ये जानना चाहता था कि ये सब कब तक चलेगा, ये तलाशी तफ्तीश वगैरह। क्यों, आपको कोई परेशानी है? नहीं सर, दरअसल हमारे गेस्ट को थोड़ी सी परेशानी होती है, वो पुलिस को देखकर अक्सर लोग घबराते हैं ना सर। आप भी? सर मैं? डरना चाहिए, पुलिस से डरना चाहिए, अच्छा है। जी हाँ सर, पुलिस का डर होना चाहिए, लेकिन नहीं डरते लोग पुलिस से, नहीं डरते। अगर डरते तो इस तरह दिन दहाड़े आपके होटल के कमरे में किसी आदमी का तक नहीं होता। कहीं आप इसे डर तो नहीं कहते, पूछताछ के वक्त कोई अपनी जबान नहीं खोलता, यह डर नहीं बेजमीर होने की पहचान है। ये लोग इंसानियत को जिंदा देखना नहीं चाहते। कितने कितने खुदगर्ज लोग हैं, समझते हैं खुद जिंदा है तो सब कुछ ठीक है, आगे पीछे क्या हो रहा है इन्हें उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं इनकी जबान खुलवा के रहूंगा, ये जबान खोले या ना खोले, मैं उन कातिल को ढूंढ निकालूंगा। खैर मैनेजर साहब, आपके होटल में से कोई मेहमान जाना चाहे तो जा सकता है, अब कोई पाबंदी नहीं है। और हाँ, अब आप कमरा नंबर 203 भी खुलवा सकते हैं। शुक्रिया सर। चलिए करीम खान। दानिश, तुम मुझे मरवा कर ही दम लोगे, आखिर इतना पैसा आएगा कहां से? अम्मी, मैं जिंदगी के ऐसे दो राह पर खड़ा हूं जहां मुझे सिर्फ और सिर्फ बर्बादियां नजर आ रही हैं। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, लेकिन जान बूझ कर अनजान बन रहे हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे घर के ऊपर गुर्बत के काले साए मंडरा रहे हैं। अम्मी आप गलत कह रही हैं, गुर्बत का साया मेरी वजह से नहीं बल्कि अब्बू की गलत पॉलिसियों की वजह से मंडरा रहे हैं। तुमने मेरी मोहब्बत और शफकत का नाजायज फायदा उठाया है। आज मैं कहूंगी और जरूर कहूंगी, तुम ऊंचे दर्जे के लफंगे हो। क्या अम्मी आप कह रही हैं? अलग कारोबार करना किसका मशवरा था, मेरा या आपका? हाँ, मैं चाहती थी कि तुम एक अलग कारोबार शुरू करके अपने अब्बू के दिल में जगह बना लो, क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो परेशान हो चुके थे। वजह वो नहीं है अम्मी, दरअसल आप अपने ऐशो इशरत का सामान करने की कोशिश कर रही थी। तुम कुछ भी कहो, मगर सच्चाई ये है कि तुम एक हयाश और बेगैरत इंसान हो। तुम्हें याद तो नहीं है कि चार दिन पहले मैंने किसे बैंक में पैसा जमा करने को कहा था? जनाब मैं कैसे भूल सकता हूँ,
आपने खुर्शीद को पैसे जमा करने के लिए कहा था। फिर उसके बाद बीबी जी ने खुर्शीद को किसी दूसरे काम के लिए भेज दिया और दानिश को बैंक में पैसे जमा करने के लिए कहा था। हाँ, ये सब तो मैं जानता हूँ। जनाब, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर यही सवाल मैं अंदर उन दोनों माँ बेटे से पूछ लूं तो वो सारे का सारा कसूर खुर्शीद पे डाल लेंगे। जनाब, अगर आप मुझे गवाह के तौर पर उनके सामने पेश करना चाहते हैं तो मैं माजर चाहूंगा। क्यों? क्योंकि दानिश साहब तो पहले ही मुझे इस घर का दुश्मन समझ बैठे हैं। मैं और रुस्वा नहीं होना चाहता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गजाला जी। गजाला जी, जब भी आपको देखता हूँ तो बस जल्दी में ही पाता हूँ। देखिए सोहेल साहब, पापा अभी घर पर नहीं है। अरे, ये तो बड़ा बेगानों सा सलूक हुआ। आप मुझे बैठने के लिए भी कह सकती हैं। तो बैठने के लिए कौन रोक रहा है? तशरीफ रखिए। अरे 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 गजाला जी, ये तो सरासर कत्ल हो रहा है। बस यहाँ हम तड़प तड़प कर जान दिए जा रहे हैं और आप इस तरह बेरुखी से चली जा रही हैं। देखिए सोहेल साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मगर ये भी सच है कि मुझे ये बेहुदा किस्म की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। गजाला जी, मैंने तो ऐसी वैसी कोई बात की ही नहीं, तो फिर न जाने क्यों। सोहेल, तुम यहाँ? हाँ, मैं ही हूं नासिर साहब, सुहेल। हाँ, मैं जानता हूं तुम सहेल हो, मगर इस तरह अचानक कुछ बिना बताए मेरे घर में। गजाला, एक मिनट ठहरो। क्या बात है पापा? कुछ नहीं, तुम जाओ। नासिर साहब, जब से आप आए हैं बड़े फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, क्या बात है? सुहेल मियां, फिक्रमंद होना तो लाजमी है। नासिर साहब, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, बस जरा खुल के बताइए कि बात क्या है। बात कुछ नहीं है। खैर, तुम बताओ, तुम्हारा इस तरह अचानक मेरे घर में आना, सब खैरियत तो है? नासिर साहब, आपका चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पे जाके लगा है। दानिश आपकी जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। चलिए चलिए जिना। आपके चेहरे से लग रहा है कि आज आप बहुत थक गए। हाँ, मैं वाकई बहुत थक चुका हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे जो थकान तुम्हें नजर आ रही है वो दरअसल थकान नहीं, इस घर के बर्बादी की एक झलक है। आज ही आप कैसी बातें कर रहे हैं? वही जो तुम मुझसे करवा रही हो। साफ साफ बताइए, आखिर बात क्या है, कहना क्या चाहते हैं आप? जन्नत, मैं जिंदगी की इस बेवजह कश्मकश से अब बहुत तंग आ चुका हूँ, बहुत तंग आ चुका हूँ। खुदारा, इस गरीब पे रहम करो जन्नत, इस गरीब पे रहम करो। आज तो आप बच्चों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, बताइए ना बात क्या है?
एक बात होती तो कहता, यहां तो बातों का समंदर है। सोचता हूं कि कहां से शुरू करूं। देखो जन्नत, मैंने हमेशा यही चाहता कि ये घर खुशहाल रहे, लेकिन तुम क्या समझते हो, कारोबार कोई बच्चों का खेल नहीं है। सब मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो किसी और की दौलत के मजे लूट रहे थे। अरे तुमने तो मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। नसर साहब, आप एक बार मेरी बात सुनिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तुम मेरी पाई पाई क्या चुकाओगे? अरे तुम्हारी बिसात ही क्या है, तुम्हारा बाप भी मेरे कर्जे के नीचे दब चुका है। आपने जो मेहरबानियां मेरे घर वालों पर की हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तुम्हारे शुक्रगुजार रहने से क्या तुम लोग मेरा कर्जा अदा कर सकते हो? नहीं, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं तुम्हारी तमाम जायदाद को नीलाम करवा लूंगा। शेख साहब, ऐसा जुल्म ना करें। तुम्हारी हालत पे रहम खाकर मैंने तुम्हें काम पे लगाया था, तुमको अपना हिस्सेदार बनाया था, मगर तुम निकले लकीर के फकीर। शेख साहब, कुछ गरीब पर रहम खाइए, कुछ गरीब पर रहम खाइए। नहीं, मैं आज ही कोर्ट जाकर तुम्हारी नीलामी का फरमान जारी करवाऊंगा। ऐसा जुल्म मत कीजिएगा, ऐसा जुल्म ना करें नासिर साहब। शेख साहब, ऐसा जुल्म ना करें। अगर किसी भी तरह नासिर साहब को यह मालूम हुआ कि मैंने उनका सारा पैसा फूंक डाला है, तो मेरे लिए मुसीबतों की आंधी आ सकती है। अब इसका इलाज क्या है? मैं तो अबू का पैसा भी अपनी अय्याशियों की नजर कर चुका हूं। अब मुझे कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना ही पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा।